सोच रही हूँ परचाई जी, सारी जिंदगी हम सीधी सादी लाइफ जीने वाले लोग, आज अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या क्या नहीं करते, पर ये बच्चे, काश ये बच्चे एक बार इस बात को समझ ले। उस प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी कंपनी पूरा करती है। और रही बात हिस्सेदारी की, तो आप मुझे जो भी हिस्सेदारी देंगे मेरी कंपनी उतना इन्वेस्ट करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। वैसे किस सोच में डूबी हो? जी कुछ नहीं, बस वो तान्या के बारे में सोच रही थी। आजकल हम सब तान्या के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे। सही कहा आपने, उसने सबको मजबूर कर दिया सोचने के लिए। वैसे तुम क्या सोच रही हो तान्या के बारे में? यही कि वो वाल्मीकि बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक डाकू को भी साधु बनने के लिए बहुत बड़ा पश्चाताप करना पड़ा था। सिमरन, अगर तान्या को भी अच्छा बनना है तो ये पथरीला रास्ता तो उसे तय करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, वो ऐसा करेगी? उसका सचमुच ऐसा करने का इरादा है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने किए पर पछता रही है, सुधरना चाहती है, और इसके लिए वो कोशिश भी कर रही है। पर इस परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और हो सकता है कि उसके इस रास्ते में बाधाएं भी पैदा करें। सिमरन, उसने हमारे परिवार वालों का भरोसा खुद तोड़ा है, और ये भरोसा उसे बनाना भी खुद ही पड़ेगा। देखते हैं कहां तक कामयाब होती है। इस रास्ते पर कोई भी इंसान अकेला नहीं चल सकता ईशान जी, उसे किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। बस यही सोचकर मैं उसका साथ दे रही हूं, हालांकि मेरे इन विचारों से परिवार वाले सहमत नहीं हैं, उन्हें बहुत हैरानी हो रही है। पर ईशान जी, मैं जब भी खुद को तान्या की जगह पर रखकर सोचती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। सिमरन, तुम साफ दिल की लड़की हो, ये बात परिवार वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, तो तुम पर तो उंगली उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर तान्या तुम्हारा भरोसा तोड़ती है तो इसमें वो अपना ही नुकसान करेगी। पर इस बार मुझे नहीं लगता कि वो मेरा भरोसा तोड़ेगी, लेकिन अगर वो जीत भी गई तो क्या फायदा, क्योंकि मम्मी जी बाऊजी की पसंद तो वो नहीं है ना, वो तो कुछ और चाहते हैं। सिमरन, अब तो वही होगा जो माँ बाऊजी चाहेंगे। मेरा दिल जीतने से पहले तान्या को माँ और बाऊजी का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भले ही उसे माफ कर दूं, लेकिन अपनी जिंदगी में जगह मैं उसे तभी दूंगा जब माँ और बाऊजी चाहेंगे। शान जी, ये फैसला तो आपका ही होगा, मैं तो बस एक लड़की होने के नाते उसका साथ दे रही हूँ। खैर, चलिए अब आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है। रणवीर, आप इतनी जल्दी सो गए आज? आपने खाना कब खाया? खाना खाया भी या नहीं? रणवीर, क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने खाना खाया? आपको दवाई भी खानी थी ना? रुकिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपको। अरे रुकिए रुकिए, मैंने खाना खा लिया है और दवाई भी ले ली।
मुझे तो लगा था कि आपके काम कर करके आपको मैंने अपनी आदत डाल दी, और अब आप अपने हर काम के लिए मुझ पर डिपेंडेंट हैं। बट नहीं, I was wrong. आप तो अभी भी पहले जैसे हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अपना काम खुद करने में बुराई क्या है? और वैसे भी ये जरूरी तो नहीं कि हम जिंदगी भर दूसरों के भरोसे पर बैठे रहें। वैसे आपने ये तो बिल्कुल सही कहा, किसी के भरोसे बैठना भी तो नहीं चाहिए। और ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे रणवीर साहब तो कभी किसी के भरोसे नहीं बैठते। और क्यों बैठो भाई, अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरों का क्या है? वो अपने हिसाब से जीते हैं, जब उनका मन किया तो काम कर दिया, वरना खुद करो। तो इससे तो अच्छा है कि पहले ही खुद काम करने की आदत डालो। रणवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं? देखिए, अगर मेरे ईशान जी के पास जाने से आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी रणवीर, लेकिन मैं तो बस ये देखने के लिए गई थी कि ईशान जी को कुछ चाहिए तो नहीं। देखा कि वो अकेले बैठे हैं तो सोचा कि थोड़ी देर उनके पास बैठ लूं। कमाल है, मैंने ऐसा कब कहा कि ये सब मैं आपके लिए कह रहा था? मैं तो एक जनरल बात कर रहा था, और वैसे भी मुझे तो अपने काम खुद करने की आदत है, तो आगे से भी खुद कर लिया करूंगा। आप प्लीज ईशान भैया का ख्याल रखिए, क्योंकि वैसे भी आपके बिना उनका ख्याल कौन रखेगा? देखिए रणवीर, मुझे नहीं पता कि आप किस सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, पर ईशान जी को देखना भी तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। हाँ, पूरे घर वालों का फर्ज है, जरूर कीजिए उनकी देखभाल। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में सिर्फ ईशान भैया ही हैं जिनकी की देखभाल की जरूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस घर में और लोग भी रहते हैं। बाबूजी, क्या सोच रहे? शिखर, मैं शिखर के बारे में सोच रहा था। रणबीर वो बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है, और उसकी बिजनेस सेंस भी कमाल की है। अगर मैं उसे बिजनेस में एक जीनियस कहूं तो गलत नहीं होगा। कल मैं और भाई साहब अपने वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे बातें कर रहे थे, उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए कि हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। वैसे रणवीर, तुम्हारा क्या विचार है उसके बारे में? अजी, मैं उसे जब मिला और बातें की तो मुझे लगा कि वो समझदार होने के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस सेंस भी रखता है। और इनफैक्ट वो तो हमारे रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही है बाबूजी, और एक काफी नामी ग्रामी कंपनी में एक अच्छा स्टेक होल्डर भी है। इनफैक्ट बाबूजी, मैं तो आपसे राय लेने वाला था कि क्यों ना हम इसे अपने इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में साथ में ले लें। हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो उससे साथ ले सकते हो। भाई देखो, वो भी अपना बिजनेस इंडिया में फैलाना चाहता है, और हमें एक इंटरनेशनल पार्टनर की जरूरत है,
तो तुम बात करो। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुखी, ये बाप बेटे की बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें क्या लेना है, नाश्ता करो। भाई साहब, वैसे बिजनेस के मामले में औरतों को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस से घर पे असर पड़ता है तो मैं तो यही कहूंगी कि वो काम सोच समझ कर करिएगा। वैसे आपकी मर्जी। भाभी जी, आप बड़े हो, आपकी चिंता सर माथे पे, लेकिन मैंने और भाई साहब में उस लड़के में जो टैलेंट देखा है वो क्या बताऊं। वैसे भी वो शरीफ और संस्कारी लड़का है। आप तानिया के भाई से शराफत की उम्मीद कर रहे हैं? सुखी, शिखर जिस तरह से तानिया को मिलवाने लाया है उसकी नियत पे शक नहीं किया जा सकता। आपको जो ठीक लगता है आप करिए। वैसे भी कौन सुनता है मेरी इस घर में? सुखी रणबीर, तुम शिखर से बात करो और देखो कि उसका क्या रुख है। जी भाजी। रोक ले पुत्र, जो ये हो रहा है ना इसे तू ही रोक सकती है, मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता। मामा क्या बात है, अब क्या हो गया? अरे ये तानिया कम थी जो उसके भाई को बुला लिया, और तो और उसे ऑफिस लेकर जा रहे हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा इस घर में सबको क्या हो गया है। रिलैक्स मामा, पहले आप मुझे ठीक से बताइए क्या हुआ, क्या है? तूने सुना नहीं, तेरे बाऊजी और रणबीर उस तानिया के भाई को ऑफिस लेकर जा रहे हैं, और तो और उसे बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिस इंसान से मिले चुम्मा चुम्मा चार दिन नहीं हुए, उस पर इतना भरोसा करने की क्या जरूरत है? मामा बाऊजी ने किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना, और फिर आप इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी टेंशन क्यों ले लेते हो? कि वो कल का आया हुआ छोकरा इतना होशियार है कि बाऊजी और रणबीर को बेवकूफ बना देगा? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा आपको क्या हो गया है। आपको अपने पति और अपने बच्चों की काबिलियत से ज्यादा दूसरों की काबिलियत पर भरोसा हो गया? क्योंकि पुत्र, क्योंकि मेरा पति और मेरे बच्चे सच्चे और साफ दिल के हैं, फरेब और दगाबाजी से कोसों दूर, वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं। अरे तानिया जैसी लड़की पर भरोसा करके वापस उसे इस घर में जगह दे दी, और उसके भाई को ऑफिस और बिजनेस में। उत्तर सोच, अगर 1% भी मेरा शक सही निकला तो फिर क्या होगा? मामा तानिया की तो मैं नहीं जानती, पर शिखर ऐसा लड़का नहीं है। इतना तो इंसानों को परखने की समझ ना मुझ में भी है, पता नहीं क्यों इस लड़के की बातों पर यकीन करने का मन करता है। इसकी बातों और इरादों में ना सच्चाई दिखती है। उत्तर शायद तो भूल रही है, जब टोनी शुरू शुरू में हमारे पास आया था वो भी ऐसा ही था, और तेरे पाउची उसके बारे में यही कहते थे जो आज तू शिखर के बारे कह रही है। तो क्या हुआ, धोखा खाया ना? मामा उस वक्त बाऊजी अकेले थे और उनका अकेले का दिमाग दौड़ता था, पर आज आज उनके साथ रणबीर है, मैं हूं, और फिर ईशान भैया भी तो है। ऐसे में ये शिखर तो क्या किसी भी शिखर की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। धोखा देना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसा करने के लिए ना सोचेगा भी नहीं। पुत्र मैं तो तुझसे सिर्फ यही कहूंगी, चाहे कुछ भी कर तो इस तानिया और उसके भाई से नजर मत हटाना,
तो उन पर नजर रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तेरी नजरें उन पर रहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप घबराइए मत मामा, मेरी पूरी नजर उन पर है और यही बात मैं रणबीर को भी समझा दूंगी। चड्डा जी, किस सोच में डूबे? कुछ नहीं बॉबी जी, आज वास्तव भाई को यहाँ होना चाहिए था। सही कहा चड्डा जी, वो आपके बिना और आप उनके बिना अधूरे ही हैं। आधे अधूरे की बात मत करो बॉबी जी, वैसे मेरा दिमाग आधा अधूरे चल रहा है। अब पता नहीं उनको दुबई में और कितना टाइम लगने वाला है। ये क्या बात कर रहे हैं चड्डा जी, मुझे तो बताइए। बॉबी जी बात ये है कि चड्ढा सर शिखर को लेकर बहुत परेशान है। पता नहीं ये लोग कौन है जो रणबीर सर और बड़े सर को चिपक रहे हैं। सर, जबकि उसकी बहन ईशान सर के साथ कई बार धोखा कर चुकी है, फिर भी दोनों भाई बहन वापस क्यों आए हैं? सही कहा सीमा जी, आपकी बात में दम तो है। बात तानिया की होती तो ठीक था, पर शिखर का इस तरह हमारे ऑफिस में आना जाना, रणवीर सर और बड़े सर को इस तरह मक्खन लगाना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चट्टा जी, तो आप श्रीवास्तव जी से फोन पर बात कीजिए ना, वो फूफा जी से बात करेंगे। क्या फोन करूं उनको, उनके पास फुर्सत ही कहाँ है। जब भी बात करनी होती है या तो SMS करते हैं या मेल भेजते हैं। तो चड्डा जी, आप कहें तो मैं फूफा जी से बात करूं? रहने दे भाई, आपके अंदर अगर इतनी समझ होती तो बात ही क्या थी। चड्डा जी, चड्डा जी कहाँ खो गए? आप बोले तो मैं बात करूं? नहीं नहीं बाबू जी, आप रहने दीजिए, मैं को सोचता। चड्डा जी, सोचकर मुझे जरूर बताइएगा। सर, सर श्रीवास्तव सर का वेट कर लेते हैं, जब वो आ जाए तभी बात करते हैं। तब तक कहीं देर ना हो जाए सीमा जी, अब जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। सर, तो फिर रणवीर सर से जाकर डायरेक्ट बात करते हैं ना? शायद तुम सही कह रहे हो। सिमरन बैठो। लगता है आजकल घर के कामों में ज्यादा बिजी हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जब तान्या आपके साथ होती है तो आपके खाने पीने की किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो आपका पूरा ख्याल रखती है। बल्कि आप दोनों के पास तो इतने टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए कि आप लोग बोर ही नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने सिमरन, तान्या होती है तो वक्त कैसे कट जाता है बातें करते करते पता ही नहीं चलता। वही तुम्हारे वाला जुमला कि हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत अलग लग रही है तान्या, वो डेडिकेटेड इंडियनाइज्ड, ऐसा लगता है वो बहुत बदल गई है। वैसे वो है कहाँ? जब गई थी तो कहा था कि 2 घंटे में आ जाएगी। एक्चुअली वो शिखर के साथ कहीं बाहर गई है, बिजनेस के सिलसिले में। एक्चुअली शिखर अपना बिजनेस यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसके लिए नया है और तान्या तो यहाँ रह चुकी है, तो मुझे लगता है कि तान्या उसके लिए मददगार साबित होगी। तभी मैंने सोचा कि आप अकेले होंगे तो आपको कंपनी देकर आती हूँ, नहीं तो अगर नैना को पता चला तो वो कभी भी धमकेगी। तुम नैना को लेकर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम सबकी दोस्त है वो, बचपन की। मानती हूँ ईशान जी कि नैना आपके बचपन की दोस्त है, और आपके बचपन की एक और दोस्त आई थी ना, शनाया, और आपकी केमिस्ट्री बचपन के दोस्तों के साथ बिल्कुल डिफरेंट होती है, नहीं? लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने सालों बाद जब आपकी जिंदगी में कोई और आ चुका है तो इन बचपन के दोस्तों को अपना एक दायरा बनाकर रखना चाहिए। देखिए, बचपन का खुलापन, वो बचपना बड़े होने तक अच्छा नहीं लगता ईशान जी। अब नैना को ही देख लीजिए, जब वो जानती है कि आप और तान्या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो क्या
उसे अपना दायरा नहीं समझना चाहिए? माना कि मामी जी उसे पुश कर रही हैं और वो हमारे रिस्पेक्टेड ताया जी की बेटी है, लेकिन फिर भी उसे अपना एक दायरा तो बनाकर रखना चाहिए ना ईशान जी। तुम खामखा में टेंस हो रही हो सिमरन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशान जी, जब दो लोगों के रिश्ते के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो दिल पर क्या बीतती है ये शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ। ठीक है ईशान जी, मैं चलती हूँ। रुको सिमरन, तुमने जिस भरोसे से तानिया को माफ कर दिया था, उसका पॉजिटिव रिस्पांस मुझे भी महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तानिया बदल रही है। बस तुम भी अपने भरोसे पर कायम रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाची जी, चाची जी, क्या बात है? आप तो सब ठीक भी है, फिर आप किस टेंशन में बैठी हैं? क्या बताओ पुत्र, सब ठीक ही होता है, पता नहीं मुझे ही सब ठीक नहीं लगता। हर पल एक अनजाना सा डर लगा रहता है मुझे। कैसा डर चाची जी? पुत्र, खुशियों की चादर इतनी पतली होती है कि एक हवा का झोंका भी उसे उड़ा कर ले जाता है। मैं जानती हूँ चाची जी, आपको हर वक्त उस तानिया का टेंशन लगा रहता है। पुत्र, सिर्फ तानिया ही नहीं, अब वो शिखर भी, पता नहीं कौन है, कहां से लाई है उसे, वो क्या करने आया यहाँ। तो चाची जी, टेंशन की क्या बात है? शिखर से डरने की क्या जरूरत है? वो भाई है उसका, उसके साथ आया है, चला जाएगा वापिस। रुको, क्या समझ रखा है इस घर को? आती हो सीधा ईशान के कमरे में चली जाती हो, ना किसी से कुछ कहना जरूरी समझती हो और ना किसी से कुछ पूछना। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जब देखो मुंह उठाकर चली जाती हो,